हैं इसका घर वाल के पास, ये मैं वीडियो सेंड कर दूंगा, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, जबरदस्ती चलाने के लिए बोल रहा है। उठ लो, कहाँ गया जी, कहाँ चला गया ये? ये आवाज कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? यहाँ कब आ गया है जी तुम? दीपावली की गाइस आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली की आप लोगों को फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। वैरायटी का मिठाई खाइए और अच्छा से दीपावली मनाइए गाइस। और पटाखा तो आपको बिल्कुल नहीं फोड़ना है, क्यों? खट्टू साला ये बोलना। ऐसा नहीं है रे, सच में प्रदूषण बढ़ता है। अगर तुमको यकीन नहीं होता तो पटाखा लेके आओ, मुंह में फोड़ देंगे। लेकिन पटाखा नहीं फोड़ना चाहिए, इससे प्रदूषण होता है। लेकिन तुमको ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि मैं मेरा पटाखों से ऐसा नहीं है, मैं मुंह में फोड़ता हूँ पटाखा, हाथ से सारा चॉकलेट बम फोड़ता हूँ। अकी नहीं होता जाकर दुकान से लाओ। अच्छा, हाँ रे, अच्छा गारंटी फोड़ देंगे अभी। अच्छा लाके लाओ जाओ। हाँ हाँ, पिछला बार तो देखे थे, एक मिर्चिया पटाखा लिए थे और इसको दिए जलाने के लिए, जला के कुआं में कूद गया। अबे छोड़ो, उसके बाद तो इसका देखो अभी भी यहाँ होगा, एक मिर्ची जैसा पड़ाका रहता है, वो जलाने के बाद एक कुआं में कूदा तो दूसरा बात था, दूसरा अब सांस आ गया, जिगरा आ गया, जिगरा। अच्छा हाँ, एकदम बड़ा हो गया, एकदम बड़ा हो गया, पहले बच्चा था। आ, अब जो तुम इतना छोड़ो, तुम पहले दुकान से जाओ, पड़ाका ले आओ, वो भी चॉकलेट लाना। मिर्चिया तो मैं फोड़ता ही नहीं हूँ, उन बच्चों का काम है। तुम तो जलाते जलाते लगता है कि अबे तू पहले लाएगा, गीला कर देगा, लाओ जाओ। साला पता ही नहीं चल रहा है जी, आजकल ये किसके दम पे उड़ रहा है, जिस बात में देखो वहीं पे उड़ने लगता है। कितना इसका औकात हो गया ये एक साल में। पिछला साल तो एक मिर्चिया पड़ाका फोड़ के और कुआं में कूद गया, वो फूटा तक नहीं, माची जलाया और कूद गया कुआं में। वो जला तो था नहीं, फूस करके निकल गया, लेकिन इसका हाथ पैर टूट गया, हमको ही हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा था। लेकिन इस साल देख सकते हैं, बोल रहा चॉकलेट पड़ाका फुटा देंगे, वो भी मुँह में डाल के। इतना औकात इसको है या कहाँ से रहा, हमको ये तो पता ही नहीं चल रहा है। तो चलो अभी हम इसका बैंड बजा ही देते हैं, देखते हैं इसको। देख सकते हैं अभी वो बहुत बड़ा बड़ा भोचरिंग मार रहा था ना, देख सकते हैं मौत का सामान उसका। जी हाँ, अभी उसका हम कहाँ डाल के फोड़ेंगे तो हमको भी नहीं पता है। अभी इतना गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर क्योंकि बहुत फेंक रहा था लंबा लंबा। तो चलिए अभी देखते हैं जाके वो क्या उसका रिएक्शन होता है। हमको तो लगता है ये देख के डर से भाग जाएगा, सिर्फ उसी तरह से मेरा 20 रुपया खर्चा करा दिया। देखते हैं चलिए क्या होता है। और देख सकते हैं यहीं पे बैठा है, ले आए रे, ले आए। देख के तुम्हारा कहाँ कहाँ फटेगा और क्या क्या फटेगा और कौन सिलने आएगा ये भी पता नहीं। अबे तुम सेफ्टी का यूज कर लो और मुझे दो, अभी फोड़ेंगे, अभी टेंशन मत लो। एक सेकंड दोस्तों, मैं पेपर लाने भूल गया, नहीं तो इससे लिखवाता कि अगर इसको कुछ पटाखा फुटा तो इसमें कुछ अनहोनी होता है तो इसका जिम्मेदार आसमान वाला भी सोचता होगा, साला इसको बुलाने से यहाँ इसको रखेंगे कहाँ, आफत को क्यों बुलाएं। इसलिए तू मेरा छोड़, अपना सोचो अपना। अभी जो बोले हैं वो करके दिखाएंगे, अभी तुम्हें पड़ेगा पटाखा और मुझे कुछ नहीं होगा। इसको जो होगा तुम जलाने से सेफ्टी रखना, क्योंकि जलाएगा तुम ही ना। ये पानो, और मुझे इसका जरूरत नहीं, तुमको है, तुम पान लो, क्योंकि तुम्हारा शरीर उतना मजबूत नहीं है बाबू। तो फुटाएगा तुम तो हमको क्यों दे रहा है? तुम जलाएगा ना, इसलिए तुम उड़ सकता है, मैं नहीं। और चलो माचिस जलाओ, थोड़ा जूम करिए, इसके मौत का तमाशा थोड़ा नजदीक से दिखाते हैं। और गाइस, इससे आप लोग ट्राई करने की कोशिश मत कीजिएगा, आप वीडियो का एंजॉय लीजिए बस। तो चलिए अभी, तो चलिए जलाओ, मैं तो कुछ नहीं हूँगा। देखिए जैसे ही इसका पटाखा जलाऊंगा मैं अपना मुंह ऐसे करके फट से। अबे तुम जो करना तुम खुद बचना, मुझे कुछ नहीं होगा, चलाओ। कोई गलती नहीं, इसका घर वाल के पास, ये मैं वीडियो सेंड कर दूंगा, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, जबरदस्ती चलाने के लिए बोल रहा है। उठ लो, कहाँ गया जी, कहाँ चला गया ये? क्या
ये आवाज कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? यहाँ कब आ गया है जी तुम? हो गया सत्यानाश लगा, अब इसका सारा खर्चा हमको ही उठाना पड़ेगा। इसको बोल रहे थे मत कर मत कर मत कर, सुनेगा? अपने आप को तो बहुत बड़ा ब्रिलियंट समझ के देखो लग गया जिंदगी में। अब जाओ, तुम्हारा तो गया खैर सब कुछ, लेकिन पैसा जो मेरा चल जाएगा इसको इलाज कराने में वो कैसा होगा, हमको ही भरना पड़ेगा। ये तो अब देगा भी नहीं कर्जा, बाद में ठीक कराए हैं तो चलो इसको घसीट के अभी लेके चलते हैं हॉस्पिटल। आना है, देखते अगर ये पूरा हो जाए तो दोस्तों अभी घर से हम निकले थे, मम्मी पैसा दी थी कि जाओ दीपावली है मिठाई लेके आ जाओ, बहुत सारे मेहमान भी घर में आने वाले हैं और किसको किसको भेजवाना है, लेकिन रास्ते में मिल गया जो तो आपने बहुत अच्छे से देखा ही, उसके चक्कर में हम भी लग गए। तो अभी हॉस्पिटल का चक्कर काट रहे हैं, उसको बेड पे फेंक के आए हैं, 4 बज गया है टाइम, सुबह से कुछ जो खार घर से खा के निकले थे वही खाए हुए हैं अभी तक, और देख सकते हैं मुँह कान सब तो सूखना ही कहेंगे कि दिवाली अच्छे से आप लोग दिवाली मनाइए और धान होके और अच्छे से पटाखा फुटाए फोड़े ताकि कोई नुकसान भी ना हो और दिवाली और त्योहार, दिवाली का त्योहार भी धूमधाम से मना ले। तो चलिए आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं, बाय।